लीजिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डिलीशियस। ये देख पा रहे हैं, इसकी आवाज सुनिए, एकदम कुरकुरी करारी क्रंची क्रंची। ये देखिए, अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इडली से बनी ये डिलीशियस रेसिपी। इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ लगाकर खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आपको खाकर सुनाते हैं, ये कितना कुरकुरा आवाज आ रहा है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इडली से बनी हुई ये नई रेसिपी। छह सात बची हुई इडलियां, ब्रेड क्रम्स, चाट मसाला, कॉर्न फ्लोर, बारीक लहसुन, मैदा, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और ये मैगी मसाला। चलिए बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले इडलियों को जिस शेप में कट करना चाहे उस शेप में काट लेते हैं। इसे जिस शेप में कट करना चाहे आप कट कर लीजिए। तरीके से सभी इडलियों को कट कर लेंगे। कट कर लिया, अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जाएगा इसमें नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। मिक्स कर दीजिए, बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे कॉर्न फ्लोर 2 चम्मच, मैदा 3 चम्मच, लहसुन का पाउडर थोड़ा ज्यादा डालेंगे, टेस्ट अच्छा आता है, लाल मिर्च पाउडर जितना तीखा आपको पसंद हो, 1/2 चम्मच मैगी मसाला। चलिए अब इन सबको करिए मिक्स और फटाफट डालते हैं इसमें पानी और इसका एक पतला घोल तैयार करेंगे। आपको मोटा घोल नहीं बनाना है, इसका पतला ही रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, घोल रेडी है। चलिए अब एक प्लेट में कॉर्नफ्लोर को निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका इतना ही पतला घोल रखेंगे, देख पा रहे हैं, बस एक कोटिंग चढ़ जाए। सारी चीजें रेडी हो चुकी है। चलिए अब इंडक्शन पर तेल गर्म करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, नमक भूल गए थे सॉरी, थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि हमने इस पे भी नमक ऐड किया हुआ है। फ्लेम ऑन कर दिया और चलिए अब इसमें ऐड करते हैं फटाफट ऑयल। चलिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो रहा है, इस तरीके से जो रखा हुआ है एक एक पीस उठाइए और ये जो गीला वाला है इसमें इस तरीके से डिप कीजिए। डिप करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स, इस तरीके से चार चार अच्छी तरीके से लगा देंगे। देखिए तेल अच्छी तरीके से गर्म नहीं है, तेल गर्म हो गया, इस तरीके से एक एक डाल देंगे, फिर एक उठाएंगे, इस तरीके से डिप करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स और फिर फटाक से तरीके से डाल दीजिए। ये आपका बहुत ही डिलीशियस और क्रंची इडली बनेगा, एक बार आप बना के तो देखिए। तरीके से सभी को बना लेते हैं। फ्लेम लो नहीं करना है, हाई ही रखेंगे। फ्रेंड्स, पलट लेते हैं, देखिए अच्छे से गोल्डन आपको तल लेना है। ये आपका डिलीशियस क्रंची सा इडली बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट कलर आया है इसमें। चलिए अब इसे निकाल लीजिए। देखिए अच्छी तरीके से ये रेड हुआ है, चलिए इसी तरीके से बाकी सभी को बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा पार्ट भी बनकर रेडी हो गया। चलिए
अब हम आपको सर्विंग प्लेट निकाल के दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ये डिलीशियस इडली से बना स्वादिष्ट कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, हम हर दूसरे दिन आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।